इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा और मैं आऊं, तू कुछ करके दिखा और मैं आऊं। तो करना, तो क्या करके दिखाना है? अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अमीर लोगों के अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है पैसिव इनकम। वॉरेन बुफे कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप सोते हुए कमा सकते हो तो आप जिंदगी भर काम करते रहोगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर वो इंसान कहलाता है जो काम नहीं कर रहा तब भी पैसा कमा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है पैसिव इनकम, पैसिव इनकम की दो टाइप्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है पता होना, उनको डिस्कस करेंगे, और 12 आइडियाज ऐसे आपको दूंगा पैसिव इनकम के जिनमें से कुछ आइडियाज से मैं भी कमा रहा हूं और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिमीश मदान और आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है मेरा काम। दोस्तों दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जैसे कि नाम से क्लियर है, एक्टिव, एक्ट, जब तक काम करेंगे, जब तक एक्ट करेंगे, जब तक एक्शन लेंगे इनकम आती रहेगी। ऑफिस गए सैलरी आई, दुकान खोली माल बेचा रात को पैसा आ गया, पेशेंट को देखा फीस मिल गई, दिहाड़ी पे गए मजदूरी मिल गई, एक्ट करते रहे एक्टिव इनकम आते रहे, जब काम करना बंद कर दिया इनकम रुक जाती। जब तक करेंगे काम इनकम देगी ध्यान, जब छोड़ेंगे काम इनकम कहेगी भैया राम राम, भैया राम राम। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम मतलब आप तब भी कमा रहे हो जिस दिन आप काम नहीं कर रहे, आप तब भी कमा रहे हो जब आप छुट्टी पे हो, आप बीमार हो, आप आज काम नहीं कर सकते, लेकिन आपका पैसा नहीं रुकता। इसको और इजीली समझे तो एक बाल्टी है साथ में मग है, बाल्टी में पानी डाल रहा हूं, मग से डालता जा रहा हूं, जब तक डालता जा रहा हूं पानी भरता जा रहा है, डालना बंद बाल्टी वहीं रुक गई, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करी और एक नलका लगा लिया, नलका लगा लिया, नलका चालू कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर रहा बाल्टी भर रही है, मैं मेहनत करके एक और नलका सेट कर रहा हूँ, फिर और एक और नलका सेट कर रहा हूँ, करते करते 3-4 नलके एक साथ चल रहे हैं तो बाल्टी और जल्दी भर रही है। ये बाल्टी आपका बैंक अकाउंट है, ये नलके आपकी इनकम स्ट्रीम है। तभी कहते हैं अमीर और अमीर होता जाता है क्योंकि वो अपने नलके बढ़ाता जाता है, उसका बैंक अकाउंट तेजी से ग्रो करता जाता है। अब ये जो पैसिव इनकम है ना, ये दो तरीके की हो सकती है, एक है डिजिटल तरीका, डिजिटली अपनी पैसिव इनकम को बिल्ड करना, और एक है नॉन डिजिटल तरीका। 6 आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा डिजिटली पैसिव इनकम बिल्ड करने के, और 6 आइडियाज शेयर करूंगा नॉन डिजिटली करने के। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी कि कोई भी आइडिया आप पकड़ो, किसी भी आइडिया से कमाओ, शुरू में मेहनत लगती है, ये पेड़ की तरह है, शुरू में बीज बोया, पानी दिया, पेशेंट रहे, पेड़ को देखा, उसका ख्याल रखा, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है उसके बाद जिंदगी भर आपको फल मिलता रहता है। ये सिंपल सा ग्राफ आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि शुरू में मेहनत ज्यादा होती है, फिर मेहनत कम होती जाती है, लेकिन इनकम मल्टीप्लाई करती जाती है, पैसा पैसा बनाता जाता है, पैसा कहता है तो कुछ कर और मैं आऊं। पहले ये 12 पैसिव इनकम आइडियाज आप सुनो, इनको समझो, उसके बाद इसी वीडियो में आपको एक मास्टर टिप मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि प्रैक्टिकली कौन सा आइडिया आपके लिए बेस्ट है, कौन से आइडियाज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो पहला पैसिव इनकम आइडिया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आइडिया है जिससे मैं खुद पैसिव इनकम कमाता हूं। इंडिया में 45 करोड़ लोग वीडियोस देखते हैं और आने वाले 2-3 साल में ये नंबर 45 करोड़ से 70 करोड़ हो जाएगा। कितना बड़ा स्कोप है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब जो वीडियो आज से 2 साल पहले मैंने बनाई आज भी मुझे उसका फायदा हो रहा है, जो वीडियो मैंने आज से 5 साल पहले 8 साल पहले बनाई आज भी मुझे उसका रिटर्न आ रहा है, पैसिव इनकम। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब से सिर्फ एड रेवेन्यू आता है, YouTube से 13 से ज्यादा तरीके हैं कमाने के। आप एड रेवेन्यू से कमाते हो, एफिलिएट रेवेन्यू से कमाते हो, ब्रांड डील से कमाते हो, आप मेंबरशिप से कमा सकते हो, आप मर्चेंडाइज से कमा सकते हो, कई सारे तरीके हैं YouTube से पैसिव इनकम बिल्ड करने के। यस, मेहनत है, मेहनत हर जगह है, हर जगह कॉम्पिटिशन, हर जगह मेहनत है, लेकिन स्कोप कितना बड़ा है वो मेहनत वाला ग्राफ याद है ना, शुरू में मेहनत ज्यादा, धीरे धीरे आपकी मल्टीप्लीकेशन काम करती है। एक जोक याद आ गया यूट्यूब पे कि एक बंदे को फांसी मिल रही होती है, जज कहता है भाई कोई आखिरी इच्छा तेरी, वो कहता है आखिरी इच्छा एक ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वाली बेल ऑन कर ले, लाफ्टर लगा देना पीछे वरना हंसी नहीं आएगी। अगर आप इस इनकम को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप ये मेरी वीडियो देखना, 53 मिनट्स की ये ट्रेनिंग है, कंप्लीट ट्रेनिंग, कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करा है कैसे आप यूट्यूब से इनकम बिल्ड कर सकते हो, विद फेस कर सकते हो, विदाउट फेस कर सकते हो। तो एक बार ये वीडियो पूरी देख के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हो और ये कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हो। अब सेकंड पैसिव इनकम आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं, आपको पता है कि गूगल पे
हर रोज 850 करोड़ बार सर्च किया जाता है, 850 करोड़ बार कुछ ना कुछ वहां पे सर्च किया जा रहा है, और हर बार जब सर्च होता है कई पेजेस आते हैं और कई पेजेस खुलते हैं, 850 करोड़ बार सर्च हो रहा है और कई हजार करोड़ पेजेस खुल रहे हैं। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉगिंग की। इंडिया में ही ऐसे कई ब्लॉगर्स हैं जिनमें से कईयों को मैं भी जानता हूं जो हर महीने लाखों रुपए की पैसिव इनकम ब्लॉगिंग से कमाते हैं। तो अगर आप अपना ब्लॉग शुरू करते हो, देखते हो कि लोगों की कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूं, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो लोग ढूंढ रहे हैं मैं उनको दे सकता हूं, तो क्या होता है, आप अपने ब्लॉग से कई तरीके की इनकम सोर्स बिल्ड कर पाते हो। आपकी आज की मेहनत, आज आपने कोई ब्लॉग लिखा, फिर लिखा, फिर लिखा, लेकिन वो मेहनत आपको हर रोज रिटर्न देती जाती है, फ्यूचर में रिटर्न देती जाती है। मेहनत आपने पास्ट में करी, फ्यूचर में रिटर्न आई, आपकी पैसिव इनकम बिल्ड होती जाती है। पर मेहनत है, मेहनत हर फील्ड में। आपको समझना होगा ब्लॉग क्यों चलता है, कैसे टॉपिक ढूंढा जाता है, किस ब्लॉग में ज्यादा अर्निंग होती है। मेरी एक कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है ब्लॉग कैसे बनाना, टॉपिक कैसे ढूंढने हैं, वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी है, अपने ब्लॉग की साइट कैसे बनानी है और कैसे उससे कई इनकम सोर्सेज बिल्ड करने हैं। मेहनत है, लेकिन एक चीज बताऊं, ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरबों में अपने करोड़ों की प्लानिंग करो, मैं कह रहा हूं पहले यही सोचो कि मेरा पहला 1 लाख कैसे बनेगा। अपने सिलेबस को इतना ही समझो, कैसे मैं ब्लॉगिंग से पहला 1 लाख कमा सकता हूं, आगे आपको समझ आता जाएगा। मेहनत है, लेकिन पैसा क्या कहता है कि तू कर और मैं आऊं। अब नेक्स्ट आइडिया जिससे मैं खुद हर महीने एक अच्छी पैसिव इनकम कमा रहा हूं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो कुछ सेकंड्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ही सिंपल है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है या सर्विस है और आप किसी को सजेस्ट करते हो कि आप वो प्रोडक्ट या सर्विस लो। अगर वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेते हैं तो आपको उसकी कुछ कमीशन मिलती है, कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग ना एक बहुत बड़ी सेवा है, जहां पे आप कुछ लोगों को राइट प्रोडक्ट से मिला रहे हो। किस प्रोडक्ट पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, आप उनका टाइम बचा रहे हो और एक प्रोडक्ट को, एक कंपनी को आप राइट कस्टमर से मिला रहे हो जिसको वो सर्व कर सके, और इस सेवा में आपका भी मेवा बन जाता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, अनगिनत तरीके हैं। जब आप इसके अंदर जाओगे आपको नजर आएगा। आप कोई वीडियो बना रहे हो, वीडियो में लोगों को वैल्यू दे रहे हो और साथ में उनको बता रहे हो कि अगर उनको कोई प्रोडक्ट सर्विस चाहिए तो वो यहां जा सकते हैं और आपको उसमें से कमीशन मिल जाती है। आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग में उस प्रोडक्ट को या सर्विस को आप मेंशन कर सकते हो और एफिलिएट कमीशन कमाते हो। वो वीडियो चलती रहेगी, आपकी इनकम आती रहेगी, वो ब्लॉग चलता रहेगा, आपकी इनकम आती रहेगी। अब यहां पे सवाल आना चाहिए कि अगर वीडियो चल नहीं रही, अगर ब्लॉग लोग देख नहीं रहे, तो यहां थोड़ी सी अगर मार्केटिंग को समझ लो तो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम बन जाती है। कि इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट पिच किया, इस वीडियो का आपने एड चला दिया, जब वो वीडियो लोगों के आगे आ रही है, लोग सर्च कर रहे हैं और वीडियो उनके आगे आ रही है, वो वीडियो देख रहे हैं और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपकी इनकम बनती जा रही है। समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में आप एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे। इंडिया में हजारों लोग एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों कमा रहे हैं, हजारों लोग एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों कमा रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ह्यूज स्कोप है। हर साल एफिलिएट मार्केटिंग 10-20% की ग्रोथ से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इसके ऊपर भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। फ्री वीडियोस हैं, इनसे सीखो स्टेप बाय स्टेप, डिटेल में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सिखाया है, समझाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, फायदा लो। और चलते हैं अगले पॉइंट पे। आपने भी कई बार ऐसे ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करी होंगी। आप ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करते हो, लेकिन इसके पीछे बहुत से लोग अपनी पैसिव इनकम बना रहे होते हैं। मेरा नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स ना बहुत से लोगों के लिए एक्टिव इनकम सोर्स है, रेगुलर मेहनत करते हैं और अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स है। कई सारे तरीके हैं ई-कॉमर्स में पैसिव इनकम बिल्ड करने के। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। बेसिकली मैं अपने एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं कि उसने क्या किया, कैसे पैसिव इनकम बिल्ड करी, तो आप इसे रिलेट करना। और कई सारे तरीके, कोई प्रोडक्ट पकड़ा, अपना प्रोडक्ट बनाया या फिर फैक्ट्री से उठाया या फिर होलसेल से उठा लिया, एक प्रोडक्ट पकड़ा, उस प्रोडक्ट के अराउंड पेज बनाया या फिर उनको अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे लिस्ट कर दिया। अब कुछ लॉजिस्टिक पार्टनर ढूंढ लिए, जैसे कि शिप रॉकेट हो गया या अमेजन एफबी हो गया, ताकि अपनी सरदर्द जीरो, और अपना फोकस कर दिया मार्केटिंग पे। प्रोडक्ट रेडी है, लॉजिस्टिक पार्टनर रेडी है, हर चीज रेडी है, पेज रेडी है। अब 8-10 कैंपेन्स यानी 8-10 एड टेस्ट करे, बनाए, 10 में से 2 एड्स प्रॉफिटेबल हुए, टेस्टिंग करी, कुछ खास पैसा नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा लगाया, 2 एड्स प्रॉफिटेबल हुए। अब वो 2 एड्स प्रॉफिटेबल हो गए तो उनके ऊपर और बजट लगाते गए,
और इनकम बढ़ती गई, और बजट लगाते जा रहे, प्रोडक्ट बिकता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक नलका तैयार हो गया, नलका खुला छोड़ दिया, एड बजट चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, अब एक्सपीरियंस भी आ गया, तो दूसरा नलका और जल्दी बना, तीसरा नलका और जल्दी बना, कई सारे प्रोडक्ट्स उसने बना लिए, कई सारे कैंपेन्स उसने बना लिए, कई सारी इनकम स्ट्रीम्स ई कॉमर्स से बना लिए, और मेजॉरिटी ऑटोमेटेड। सुनने में ना आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। कुछ रातें जागनी पड़ेंगी, तपस्या करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर कर लिया तो ई कॉमर्स ने पिछले कुछ सालों में कई लोगों को करोड़पति बनाया है। आप भी अगर इस चीज को अनलॉक करते हो, इसके ऊपर मेहनत करते हो, अपनी रातें जागते हो, तो इंडिया के टॉप 1% में आने का पोटेंशियल इसके अंदर है। 3.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है, और अगले 3 साल में ये 9 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। कितने लोगों को पिछले 2 से 3 साल में ई कॉमर्स ने करोड़पति बनाया है। अगर आप भी मेहनत करते हो तो इंडिया के टॉप 1% में आ सकते हो, इतना स्कोप इसके अंदर है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगला पैसिव इनकम आइडिया आपको पेश कर रहा हूं। कुछ टीचर्स, कुछ कोचेज, कुछ ट्यूटर्स हर रोज किसी कॉलेज जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, या किसी कोचिंग सेंटर जाते हैं, किसी ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, और वहां जाके खड़े होकर सिखा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं और कमा रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रेनर्स, कुछ कोचेज, कुछ टीचर्स ने क्या किया, अपनी सारी नॉलेज को रिकॉर्ड कर दिया, उसका एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया। एक बार मेहनत करी, कोर्स रेडी है, अब लोग कोर्स ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन वो टीचर ट्यूटर आराम से बैठा है, रोज उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक पैसिव इनकम बिल्ड हो गई है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, किसी स्किल में अच्छे हो, या कोई ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हो जो लोग सीखना चाहते हैं, तो आप अपना एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो, उसको अपने किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हो, यूडेमी या किसी एडटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट कर सकते हो। शुरू में आप मान लो सिर्फ आप 100 लोगों को टारगेट कर रहे हो कि 100 लोग को ये 500 रुपए का कोर्स मुझे सेल करना है, ये ऑलमोस्ट 50,000 रुपए है। कुछ मार्केटिंग एक्सपेंस काट के आपको पास कुछ पैसा बच जाता है, और धीरे धीरे आप इसको ऑटोमेट करते जाते हो, समझते जाते हो। आपको हर रोज नॉलेज बनानी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस बने हुए कोर्स से कैसे पैसिव इनकम बढ़ानी है। ऐसे कई टीचर्स, ट्रेनर्स, कोचेज हैं जिनके नाम आप जानते हो, जिन्होंने कोर्सेज के साथ अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करी हुई है। अब नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया मेरे क्रिएटिव दोस्तों के लिए। आपने ये नाम सुने होंगे कभी, गेटी इमेजेस या शटरस्टॉक, या फिर ये देखो मोबाइल का फोन, इसकी स्क्रीन की लाइट जब ऑन करी लॉक स्क्रीन पे, तो कुछ फोटोज अपीयर होती है और साइड में लिखा होता है पावर्ड बाय गेट इमेजेस, या पावर्ड बाय शटरस्टॉक, या पावर्ड बाय एडोबी स्टॉक। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। बेसिकली अगर किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को, किसी कॉरपोरेट को कोई अपने एड के लिए, या अपनी वेबसाइट के लिए, या अपनी किसी प्रोडक्शन के लिए, या अपनी किसी प्रेजेंटेशन के लिए उनको फुटेज चाहिए, फुटेज मतलब कोई फोटोग्राफ लगानी है, कोई वीडियो लगानी है, तो ऐसा थोड़ी ना वो मार्केट जाके फोटो खींचने बैठेंगे। अब यूएस में बैठे किसी को इंडियन फेस चाहिए, तो वो इंडिया आके पूरी फ्लाइट में अपने पूरे फोटोग्राफर्स लाके वीडियो नहीं बनाएंगे, तो वो ऑनलाइन फुटेज खरीदते हैं, इन वेबसाइट्स पे जाके बनी बनाई वीडियोज या फोटोज खरीदते हैं, और जिसने वो फोटो अपलोड करी होती है, वीडियो अपलोड करी होती है, उसको कमीशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक क्रिएटिव कीड़ा है, आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या म्यूजिक का शौक है, तो आपने कुछ फोटोज खींची और इस वेबसाइट पे अपलोड करी, अगर किसी ने खरीदी तो अराउंड कोई वेबसाइट 20% कमीशन देती है, कोई 40% देती है, कोई 60% कमीशन देती है। इसमें भी एक जर्नी है, शुरू में समझने में टाइम लगेगा किस तरह की फोटोज जल्दी खरीदते हैं लोग, किस तरह की वीडियोज खरीदते हैं, म्यूजिक भी बिकता है, आप म्यूजिक अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो म्यूजिक भी इन साइट्स पे डाल सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, आपकी रैंकिंग बढ़ती जा रही है, और ग्रेजुअली आपकी इनकम बिल्ड होती जाती है। हर साल 5% से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इसमें एक बहुत बड़ा नाम संदीप महेश्वरी जी, जिनकी कंपनी है इमेजेस बाजार, वो भी स्टॉक फुटेज की कंपनी है। तो अब तक 6 पैसिव इनकम आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं जिससे आप डिजिटली कमा सकते हो। अब आपने देखा होगा कि जो डिजिटल पैसिव इनकम के आइडियाज है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट खास नहीं चाहिए, लेकिन मेहनत चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो वाली पैसिव इनकम बिल्ड करूँ। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, नॉन डिजिटल पैसिव इनकम आइडियाज, इसमें कुछ इनकम आइडियाज ऐसे हैं जिसमें मेहनत चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिसमें मेहनत नहीं चाहिए लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर आपके पास आज की डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्टूडेंट हो या अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है, तब भी मैं कहूँगा कि 6 के 6 आइडियाज आप सुनो, समझो, ताकि आपको पता हो कि जब मैं इनकम क्रिएट करूंगा तो कैसे अपनी पैसिव इनकम्स बिल्ड करूंगा। अपनी नॉलेज में जरूर रखो। तो पहला नॉन डिजिटल पैसिव इनकम आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूंगा। आपको पता है इंडिया में
2-3% लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। ग्लोबल एवरेज 7% और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में 60-70% तक लोग इंश्योर्ड होते हैं। रिसेंटली इस इंडस्ट्री का स्कोप ग्रोथ बहुत बड़ी है। रीजन, कोविड में बहुत लोगों ने समझा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं और इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री हर साल 18% के रेट से ग्रो कर रहा है। इतना स्कोप है। अब इसमें पैसिव इनकम कैसे होती है? पैसिव इनकम ऐसे होती है कि अगर आपने किसी को इंश्योरेंस सेल करी, लाइफ इंश्योरेंस सेल करी या हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस सेल करी, आपने एक बार किसी के साथ रिलेशन बनाया, एफर्ट करी, उसको सेल किया, लेकिन उसके बाद उसके रिन्यूअल्स पे हर साल जो वो रिन्यू होगा या हर साल वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेगा, आपको कमीशन मिलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 लाख की किसी की इंश्योरेंस करी, आपको मैं कहता हूं कमीशन मिली 2.5%, 50,000। आपने ऐसी 5 इंश्योरेंस कर दी, आपका कितना बन गया? 2.5 लाख। आपने 10 कर दी, आपका बन गया 5 लाख। लेकिन इस मेहनत की रिटर्न आपको हर साल आती जाती है, अगले साल जो आप कर रहे हो वो और एड होती जाती है। बहुत सारे नाम है जैसे भरत परेख, रितु नंदा, रवि जेठानी, जिन्होंने इंश्योरेंस एक अच्छी इनकम बिल्ड करी है। रवि जेठानी, इन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था इंश्योरेंस को, धीरे धीरे इसको फुल टाइम कर लिया, 2002 में शुरू किया और आज की डेट में 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम, कमीशन की इनकम हर साल इनको मिलती है। अब नेक्स्ट जो पैसिव इनकम आइडिया ना, ये कई सालों से चलता आ रहा है और आज भी बहुत पॉपुलर है, बहुत ल्यूक्रेटिव है और स्पेशली उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन फंड्स है, वो है रियल एस्टेट। आपके भी कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे या कुछ नोन होंगे जिनसे आप अक्सर सुनते होंगे, हमारा एक उस घर से रेंट आ रहा है जी, वो 2 दुकानें किराए पे चढ़ाई हुई है जी, वहां से भी रेंट आ रहा है। वो लोगों की एक इनकम आती जाती है और प्रॉपर्टी अलग अप्रिशिएट होती जाती है। ब्यूटी ये है कि आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टी आपके एसेट का रेट बढ़ रहा है और साथ साथ किराया बढ़ रहा है। कुछ साल मेहनत लगती है, कुछ साल तपस्या लगती है, कुछ पैसे जोड़ जोड़ के जो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट फील करते हैं, फिर प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज बनती है। इसमें भी कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको समझना होता है कौन सा एरिया जो सैचुरेट हो चुका है, यहां पे ग्रोथ का फायदा नहीं होगा, कौन सा एरिया जो अपकमिंग है, गवर्नमेंट के प्लान्स के हिसाब से किस एरिया में अप्रिसिएशन ज्यादा हो सकती है। और कुछ लोग इनोवेट भी करते हैं, जैसे मेरा एक नोन है, उनकी एक प्रॉपर्टी थी, उसने रेंट पे नहीं दी, उसने उसको थोड़ा तैयार किया और मूवी हाउसेस को, प्रोडक्शन हाउसेस को, वेब सीरीज वालों को रेंट पे देनी शुरू कर दी। एक दिन का 25,000-30,000 पूरा महीना प्रॉपर्टी नहीं भी यूज हो रही, 10 दिन के लिए किसी ने शूटिंग के लिए ले ली, 2.5-3 लाख रुपए अकाउंट में। अब आप बोलोगे कि हिमीश भाई यार, प्रॉपर्टी बनाने में तो कुछ साल लगेंगे, अभी इतने फंड्स नहीं है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो गया, कुछ आज का बताओ, कुछ कम इन्वेस्टमेंट वाला बताओ। तो यहां पे मैं एक पैसिव इनकम आइडिया आपसे शेयर करूंगा जो नॉन डिजिटल है, वो है कार रेंटिंग। ओला उबर अपनी गाड़ियां नहीं खरीदते, दूसरों की गाड़ियां यूज होती है। बहुत सारी कार रेंटल्स कंपनी दूसरों की गाड़ियां यूज करती है, ट्रेवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स दूसरों की गाड़ियां यूज करते हैं, उनके पास कस्टमर है, दूसरों की गाड़ियां कनेक्ट करते हैं, गाड़ी वाला भी कमाता है, टूर ऑपरेटर भी कमाता है। तो यहां आपको क्या करना है, या तो आपके पास कोई गाड़ी है उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप एक गाड़ी ले सकते हो, पैसे नहीं है तो ईएमआई पे ले सकते हो। तो एक ओला की एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक दिन में आपकी गाड़ी ने 500 रुपए वाली तकरीबन 6 ट्रिप्स करी, मतलब आपकी गाड़ी ने 3,000 रुपए कमाए, तो 3,000 रुपए पर डे कमाए, 30 दिन में कमाए 90,000। आपके ड्राइवर की सैलरी तकरीबन 15,000, पेट्रोल एंड वियर टेयर मिला के तकरीबन 20-25,000, ओला की कमीशन तकरीबन 10-15,000 और गाड़ी की ईएमआई तकरीबन 10-15,000। ये सब करने के बाद भी आपके पास 20-30,000 की एक इनकम एक कार आपको दे देती है। जब आप उसको आप समझते हो तो आप एक कार से 2 कार से 3 कार पे जाते हो। बहुत से लोग ये करते हैं, पहले समझते हो ना, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर और चीजों में, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी, और आप रेंटिंग के अंदर घुसते जाते हो, पैसिव इनकम बढ़ाते जाते हो। 16,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री, और पूरी दुनिया में अगर ये इंडस्ट्री सबसे तेजी से कहीं बूम कर रही है तो वह है 2 कंट्रीज, इंडिया और चाइना। तो अपनी कार के टायर दौड़ाने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अब अगला जो आइडिया है, ये भी मेरी एक पैसिव इनकम का सोर्स है, और ये आइडिया नॉन डिजिटल तो है ही, आजकल डिजिटल भी है, दोनों तरीके से ये ग्रो हो रहा है, और वो है बुक्स। बुक्स एक बहुत ही सेटिस्फाइंग पैसिव इनकम सोर्स है। सेटिस्फाइंग क्यों? आप लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करते हुए, लोगों की लाइफ को टच करते हुए, या उनको एंटरटेन करते हुए, उनकी जिंदगी बदलते हुए आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो। बहुत पावर होती है बुक्स में। एक बुक एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप बुक्स से अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एक बार आपने मेहनत करी, अच्छी बुक लिखी, बहुत वैल्यू दी, या नॉवल लिखा, बहुत एंटरटेनमेंट दिया, फिक्शन लिखी, बहुत सस्पेंस दिया, जो जैसा भी आपको लिखना पसंद है, एक बार आपने मेहनत करी
उसके बाद जितनी बार वो बुक सेल होती है वो आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स होती है। नेचुरल सी बात है, इसमें भी आपको मेहनत तो करनी होगी ना, समझना होगा एक अच्छी बुक कैसे लिखी जाती है, प्लेटफॉर्म्स पे कैसे डाली जाती है, मार्केट कैसे किया जाता है और पैसिव इनकम के लिए इसको ऑटोमेट कैसे किया जाता है, समझना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि पैसा क्या कहता है, पैसा कहता है तू कर और मैं आऊं। लेकिन 800,000 करोड़ की इंडस्ट्री हर साल 20% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है और फिजिकल बुक में तो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिशिंग है, पेपर की कॉस्ट है, कवर की कॉस्ट है, ई बुक डिजिटल बुक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ई बुक एक डिजिटल प्रोडक्ट है, 100% प्रॉफिट आपको दे सकता है, जरूरत है तो दिमाग लगाने की कैसे अच्छा लिखना और कैसे अच्छा मार्केट करना है। बुक्स लिखने से जेके रॉलिंग बिलियनियर बन गई, जैक कैनफील्ड, रॉबिन शर्मा, सिडनी शेल्डन, इन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, हम पैसिव इनकम तो बिल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पैसिव इनकम आइडिया पे, ये भी मेरी इनकम का सोर्स है लेकिन बहुत नहीं, थोड़ा 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 इनकम का सोर्स है और वो है म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। और अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। टाइम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि स्टॉक मार्केट को समझ के उसकी नॉलेज लेके टेक्निकल ट्रेडिंग सीख सकते हो, जिससे आप हर स्टॉक की मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम रोज देते जाओ, थोड़ी थोड़ी अमाउंट से शुरू करो और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट आपके लिए पैसिव इनकम का अच्छा सोर्स बन जाएगी। इसके बारे में भी डिटेल जाननी है तो आप मेरी इस वीडियो में जा सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस की बात करी है, स्टॉक की मूवमेंट्स की बात करी है और पैसिव इनकम बिल्ड करने की बात करी है। अब एक और पैसिव इनकम आइडिया आपके लिए, पिछले साल अगस्त में मैंने और गुंजन ने 15 दिन गोवा से काम किया था और वहां पे हम एयरबीएनबी की एक प्रॉपर्टी में रहे थे। ये एयरबीएनबी वर्ड पिछले 3-4 साल में इंडिया में बहुत कॉमन होना शुरू हो गया। आज की डेट में लोग कहते हैं गोवा चलते हैं, एयरबीएनबी कर लेंगे, जयपुर में एयरबीएनबी कर लेंगे, चंडीगढ़ जाना है एयरबीएनबी कर लेंगे। जो चीज पॉपुलर हो रही है, जो चीज ग्रो कर रही है, उसके अंदर इनकम का स्कोप भी ग्रो करता है। और यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप अपनी एक पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास या आपकी फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो ऐसे एरिया में है जहां पे लोगों का आना जाना रहता है, तो आप उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो। एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हो। उस शहर में लोग आने वक्त कुछ लोग होटल सर्च करते हैं और कुछ लोग एयरबीएनबी सर्च करते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पूरी प्रॉपर्टी रेंट करनी है। आपके घर में कोई फ्लोर है जो एक्स्ट्रा है, जो यूज नहीं हो रहा, आप उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो। एक कमरा है जो यूज नहीं हो रहा, कमरे को आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हो। तो सारी ऑप्शंस इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास होती हैं और एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो एक प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, बिजनेस को समझते हैं और धीरे धीरे प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं और लाखों रुपए महीना पैसिवली एयरबीएनबी से कमाते हैं। सो ये एक नया तरीका है लेकिन ग्रोइंग तरीका है। अपने इनकम को आप एयरलिफ्ट कर सकते हो एयरबीएनबी के साथ। तो 12 पैसिव इनकम आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर करे। अब मैं मास्टर टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। अब इन 12 पैसिव इनकम आइडियाज में से हो सकता है कुछ तो आपको रिजेक्टेड लग रहे हो कि ये वाले मुझे नहीं करने, और कुछ है जिसमें कंफ्यूज होगे, किसी आइडिया में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी में कम होगा, भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बेस्ट है एक पेपर पेन लो या फिर एक अपने लैपटॉप पे या फोन में एक नोटपैड में एक नोट बनाओ और जो आइडियाज आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ आपको आज के लिए सही लग रहा है, कुछ लेटर ऑन फ्यूचर के लिए सही लग रहा है, उन आइडियाज को एक साथ लिख लो। मेहनत करिए इस वीडियो को देखने की, तो इसको एक कंक्लूजन दो, उन आइडियाज को एक साथ लिख लो और 3 आईज पे आपको इसको तोलना है। आई हैव टू मेजर इट इन 3 आईज, तीन आई कौन से हैं? पहला आई है इंटरेस्ट, क्या मेरा इस आइडिया में इंटरेस्ट है? दूसरा इन्वेस्टमेंट, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे की या टाइम की, मनी इन्वेस्टमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी एंड टाइम बोथ, क्या वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं रेडी हूं, वो मेहनत डालने के लिए रेडी हूं या वो पैसा डालने के लिए रेडी हूं, पैसा नहीं है तो मेहनत डालने के लिए रेडी हूं। थर्ड आई इनकम, जो उससे इनकम आएगी वो मुझे फैसिनेट कर रही है, वो मुझे किक देगी उसकी तरफ मेहनत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आप इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन जो रिटर्न आ रहा है ना, आप कह रहे हो यार 20 साल में 25 लाख नहीं, मेरे को ये फैसिनेट नहीं कर रहा, इनकम फैसिनेट नहीं कर रही, तो वो आइडिया साइड हो जाएगा। ब्लॉगिंग में आप कहोगे यार मुझे पता है इसमें इनकम है, मुझे पता है इसमें इन्वेस्टमेंट खास नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, मैं टाइम देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ब्लॉगिंग में, तो वो आइडिया साइड हो जाएगा। रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, इनकम आएगी, इनकम आ रही है, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए अभी पैसे नहीं है, तो ये आइडिया फ्यूचर के लिए साइड हो जाएगा कि फ्यूचर में इसको यूज करूंगा। जब आप ये 3 आईज लगाओगे तो अपने शॉर्टलिस्टेड आइडियाज में से मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट डुएबल, मोस्ट एग्जीक्यूटेबल आइडिया तक पहुंचोगे और
जब उसको इंप्लीमेंट करोगे ना, गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होगा, उसके अंदर पैशन होगा, उसके लिए आपके अंदर किक होगी और आप पैसिव इनकम बिल्ड कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कई इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोर्सेज, रिसोर्सेज शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स को समझने में। क्योंकि इंसान कहता है जब पैसा आएगा तो मैं कुछ करूंगा, और पैसा कहता है तो कुछ कर और मैं आऊंगा। सो दोस्तों, इसी तरह से सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, खुद को और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराते रहना। और अगर आपको लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल है, दूसरों के भी काम आ सकती है, तो इसको ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर करना, सो दैट दूसरे भी समझ सके वेल्थ क्रिएशन को। मिलकर हम इकोनॉमी को रेज करें, मिलकर हर कोई कमाए, पूरा इकोसिस्टम रेज करें, कंट्री की वेल्थ क्रिएशन को रेज करें, ये पावर हो सकती है आपके शेयर में। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।